हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। देश और प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,996 मामले सामने आए हैं, तो अगर प्रदेश की बात करें तो नए 370 केस दिखे हैं कोरोना संक्रमण के। जिस तरह से और जिस तेजी से देश और प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे चिंताएं बढ़ गई हैं। सवाल, कब थमेगा कोरोना की रफ्तार? कोरोना पर कैसे लगेगा ब्रेक? कैसे इससे छुटकारा मिले? कैसे निजात पाएं? रोकने में आखिर कहां चूक रहे हैं हम? चार लॉकडाउन करके देख लिए, अनलॉक भी हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सधी हुई चाल में बावजूद इसके कोरोना से बच नहीं पा रहे। कोरोना से लगातार फाइट करते हुए कुछ लोग घर वापस तो लौट रहे हैं, लेकिन कईयों की जाने ली इस कोरोना महामारी ने। ऐसे में इस कोरोना से बचाव के उपाय जो लोगों तक लगातार पहुंचाए जा रहे हैं, उसको किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, क्या कहीं पर कोई ढिलाई बरती जा रही है, इन सब बातों पर गौर फरमाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर इस कोरोना से दो दो हाथ करने के लिए हम कितने तैयार हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे रोके हम इस कोरोना के रफ्तार को? लगातार इसका ग्राफ, कोरोना संक्रमण का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, हैरान कर देने वाले आंकड़े हम रोज सुबह देखते हैं। देखिए, अब हालत ये हो गई है कि जो गाड़ी चल रही है कोरोना की, उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। पहले उस पे जो ब्रेक लगाने के लिए जो व्यक्ति अंदर थे, वो अपनी कुछ कार्रवाई कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब ये वो व्यक्ति भी वहां से हट गए। अब ये मतलब ऑटो पायलट मोड में गाड़ी चल रही है और गाड़ी में ब्रेक नहीं है। अब हालात ये हो गई है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या बढ़ेगी। इसके ऊपर अब कोई भी कंट्रोल किसी का भी नहीं रह पा रहा है। केवल सब लोग दूर से बैठकर आंकड़ों का आकलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि आप देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैंने 30 मई तक कहा था कि आपके 2 लाख लोग हो जाएंगे, वो बात हुई। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये अमेरिका के आसपास के आंकड़ों के पास जाकर हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं रुकेगी, तो वही स्थिति होने जा रही है। ऑलरेडी हम विश्व के 5वें स्थान तक पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही 2 लाख का आंकड़ा था और अभी एक दो दिन में ही 3 लाख होने वाला है। आप देख सकते हैं 2 लाख से 3 लाख तक का जो आंकड़ा है, 1 लाख जो बड़े हैं वो 10-12 दिन में ही बड़े हैं। तो अभी इनका मुझे नहीं लग रहा वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है, टेस्टिंग फैसिलिटीज का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई हैं, मूवमेंट बढ़ गए हैं। थोड़े मूवमेंट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि कुछ नाम मात्र की रिस्ट्रिक्शन रह गई है। तो ऐसे हालत में कोरोना की जो है वो हवाई जहाज ऑटो पायलट मोड में है और इसमें अब कोई ब्रेक इसके फेल हो चुके हैं। क्या आप उपाय सुझाएंगे कि हम इसको रोक सके, क्योंकि अब और ज्यादा इस महामारी का दंश झेला नहीं जा रहा? डॉक्टर, देखिए, जो सुझाव है वो तो आपके चैनल के माध्यम से, बाकी मीडिया के माध्यम से, एडवाइजरी के माध्यम से बार बार बताए जा रहे हैं कि आप 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, हैंड वॉश करें, लेकिन ये सब कुछ अब गौण हो गया है। क्योंकि जो वास्तविक स्थिति का सामना जब कर रहे हैं, तो वास्तविक स्थिति ये है कि जो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 50% लोगों के पास हाथ धोने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट प्रॉपर नहीं है, स्वच्छता का पूरा प्रबंध नहीं है। आप ये देखिएगा कि उससे और अधिक पॉपुलेशन को देखेंगे तो एक ही कमरे में 4-4, 5-5, 10-10 लोग रह रहे हैं। आवास की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उससे अभी सामने स्पष्ट होके आ रही है। जो सालों से स्वास्थ्य विभाग को नेग्लेक्ट किया गया,
स्वास्थ्य विभाग को जिस तरीके से नोचा गया राजनीतिज्ञों द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन लोबी द्वारा जिस तरीके से नोचा गया उस तरीके अब उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। आप देखिएगा स्वास्थ्य विभाग पर कितना जीडीपी का पैसा खर्च होता था, आज आप अखबारों में यकायक आता है कि 100 बेड के हॉस्पिटल को 200 बेड का हॉस्पिटल कर दिया। आपको मालूम है 100 बेड के हॉस्पिटल को 200 बेड का हॉस्पिटल करने के लिए कितनी लंबी प्रक्रिया है, कितने संसाधन, कितनी मैन पावर, कितनी फिजिकल पावर, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जी। आप देख सकते हैं कि गुड़गांव में एक सिविल हॉस्पिटल था, मुझे याद है जब मैं गुड़गांव में 1989 में आया था तो एक सिविल हॉस्पिटल था और आज भी एक ही सिविल हॉस्पिटल है और वो भी खत्म बंद पड़ा है। आज आप देख सकते हैं कि चाइना में वुहान में जब क्राइसिस आया था तो चंद दिनों में वहां पर कई हजार बेड का बेड अस्पताल तैयार कर दिया गया था जी। और आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की तैयारी कि गुड़गांव का एकमात्र अस्पताल जो सिविल हॉस्पिटल था यहाँ सदर बाजार के पास, आज ये दूर दूर तक बनने की कोई आशा ही नहीं है। हाँ। अगले 2-4-5 साल में बन जाए तो भी बड़ी बात होगी। इतना ध्यान जो है वो राजनीतिज्ञ और ये आईएएस लोग भी या बाकी सब लोग कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग का, अब वो भुगत रहे हैं, सामने आ रहा है। अब हालात जो है, आप कल किसी एक चैनल के माध्यम से देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे शर्म आ रही थी कि मैं मतलब डॉक्टर कैसे बना, ऐसा माहौल है, मरीज मर रहे हैं, 30-40 मिनट तक कैमरा जो है वो पूरे अस्पताल में घूम रहा है, वहां पे ना वो वार्ड बॉय है, ना फार्मासिस्ट है, ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना अटेंडेंट है, कुछ मरीज मरने के कगार पे हैं, कुछ मरे पड़े हैं, कुछ लाशें इधर से उधर हो रही हैं। ऐसी स्थिति दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल की मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। को और भी गौर से मैं आपसे समझना चाहूंगी, विस्तार से बात करूंगी। एक रिपोर्ट जरा हम दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर लौटती हूँ मैं डॉक्टर पंकज आपके पास, रिपोर्ट देखें। देश में हर दिन कोरोना खतरनाक रूप अख्तियार करते जा रहा है। एक तरफ हर दिन नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इसमें ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 357 लोग कोरोना से जंग हार गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 9,996 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,86,579 हो गया है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 8,102 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 1,41,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि देश में एक्टिव केस की संख्या 1,37,448 है। कोरोना के सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 94,000 को पार कर गया है। इसमें से 3,438 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी राज्य में 46,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, जहाँ कुल मरीजों की संख्या 37,000 के पार है और 326 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 27,000 से अधिक एक्टिव केस तमिलनाडु में है। उधर दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 33,000 के करीब पहुंच गया है। अभी कुल मरीजों की संख्या 32,810 है, जिसमें 984 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अभी 19,581 एक्टिव केस हैं। गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 21,000 से अधिक है, जिसमें 1,347 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या 11,610 हो गई है, जिसमें 259 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात प्रदेश की करें तो हरियाणा में बुधवार को कोरोना की वजह से 4 जिलों में 7 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 52 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हरियाणा में बुधवार को भी 370 नए मामले सामने आए।
इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 5579 हो गया है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 3339 है। वहीं 2188 लोगों ने कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल की है। प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यार रुक, एक ब्रेक के लिए फॉर लौटेंगे। कोरोना पर लगाम कब आई है, इसे कैथल के बारे में पूछ के देखते हैं हमारे संवाददाता विपिन शर्मा से। विपिन, यहां पर कोरोना को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? आज ही 8 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 2 लोग तो सीवन से पति पत्नी हैं और 1 डिफेंस कॉलोनी से, और 4 केस जहां से हैं और 1 केस पंतनगर से हैं। ये उन्हीं जगह से ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं जहां से पहले कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। और कैथल की हम बात करते हैं, 1 मौत भी हो चुकी है कैथल में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग कितना जागरूक यहाँ पर और कितना मुस्तैद दिख रहा है? पुलिस प्रशासन किस तरह से कोशिशें कर रहा है? अनलॉक 1 में जाने के बाद लोग क्या बेफिक्र हो गए हैं, या ये बेफिक्री जो है वो कोरोना के आगे फीकी दिख रही है? जी, लोग तो बेफिक्र हो ही गए हैं, लेकिन प्रशासन भी अब बेफिक्र हो गया है। जिस तरीके से पहले पुलिस हर जगह दिखाई देती थी, लोगों को मास्क के लिए प्रेरित करती थी या घरों से कम निकलने देती थी, बिना वजह पूछती थी अब क्यों जा रहे हैं, वो सब बंद हो गया है। अब सिर्फ खाना पूर्ति के लिए शाम तक 50 से 60 चालान मास्क न लगाने की वजह से काट दिए जाते हैं, और रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया जाता है कि हमने लोगों को मास्क के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल, लोगों को मास्क और सैनिटाइजर अवेलेबल है क्या? चूंकि अभी भी कोरोना के एक्टिव मामले वहां पर सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, तो बाजारों में मास्क और सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी पर बात करें, दुकानें किस तरह से खुल रही हैं, अनलॉक 1 के गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, अगर नहीं हो रहा तो चालान कट रहे हैं, या किस तरह से सख्ती प्रशासनिक तौर पर, या आपने कहा कि बेफिक्र हो गया है प्रशासन, तो वो बेफिक्री कैसे दिख रही है? आपको बता दें कि लॉकडाउन अनलॉक जब से 1 शुरू हुआ है, तब से दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है, और अभी इवन और को भी रद्द कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद लोगों को गाइडेंस दी गई थी कि आप सैनिटाइजर का रखेंगे, आप हाथ में दस्ताने पहन के रखेंगे, मुंह पे मास्क लगा के रखेंगे, जो दुकान में कस्टमर आएगा उसको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। परंतु ये बातें सिर्फ हवा हवाई हैं, ऐसा शहर में कुछ नहीं है। लोग दुकानों के अंदर भीड़ ऐसे ही होती है, बाजारों में ऐसे ही भीड़ होती है। हाँ, नगर पालिका के कुछ उन्होंने अपने जो बंदे छोड़ रखे हैं वो लोग सिर्फ चालान काटने में मशहूर रहते हैं, 200-300 रुपए का चालान काटते हैं और चले जाते हैं। उन्हें से कोई मतलब नहीं कि दुकान के अंदर भीड़ है, या अगर भीड़ है तो चालान काट दो, उसके बाद फ्री वो भीड़ ऐसे कैसे मेंटेन रहती है? भीड़ को कस्टमर को नहीं निकाला जाता, ना ही किसी को कहा जाता। रही बात आरोग्य सेतु ऐप की, ये तो मुझे लग रहा है कि अभी शहर में बहुत कम लोगों को पता होगा इस ऐप के बारे में, ना ही दुकानदार चाहते हैं, दुकानदार इसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ना ही लोग इसको ज्यादा कोई अपलोड कर रहे हैं। चलो, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से लौट कर आ रही हूँ डॉक्टर पंकज आपके पास। आपने अस्पतालों का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह से जो है ब्रेक नहीं लग पा रहा है, तो क्यों नहीं लग पा रहा है कोरोना को लेकर। मैंने आपकी बात बीच में रोकी थी, एक तो आप अपनी बात पूरी करें, दूसरा अगर कुछ मार्गदर्शन दे आप हमारे दर्शकों को। डॉक्टर पंकज, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। बोलिए सर, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो अनामिका जी, मैं कह रहा था कि स्वास्थ्य विभाग को जो अनदेखी कई सालों से, कई दशकों से जो विभिन्न सरकारों द्वारा की गई है, तो आज उसका नतीजा जो है वो सारे देश को भुगतना पड़ रहा है। आप देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, आपके पास अस्पताल नहीं है, आप होटलों को, आप स्कूलों को, इस जगह ऐसे स्थानों को आप आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं जहां पर ना खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है, ना रहने की व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सकती है। इस तरह के आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं, वहां पर आपके पास स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं है। आपने 100 बेड के हॉस्पिटल की कैपेसिटी 200 कर दी, 200 बेड के हॉस्पिटल की कैपेसिटी 500 कर दी, लेकिन उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, वार्ड बॉयज नहीं है, और जो हैं उनको भी आपने सर्वे में और बाकी सारी गतिविधियों में लगा रखा है। तो ऐसे में बिल्कुल व्यवस्था चरमरा चुकी है, और उसका लाइव एग्जाम्पल जो LNJP में अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, उसका मंजर के एकमात्र बड़ा कोविड हॉस्पिटल दिल्ली का, और उसकी क्या हालत थी। आप गुड़गांव में भी देखेंगे तो जो गुड़गांव का हॉस्पिटल था वो अभी
उसको तोड़ा जाना है, मतलब उसको बंद कर दिया गया है, तोड़ के दोबारा बनाया जाना है। आप देख सकते हैं कि सरकारें कितनी सीरियस हैं कि कितने साल हो गए अभी तक वो अस्पताल भी बना नहीं है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बाकी सब चीजें बन रही हैं, लेकिन अस्पताल नहीं बना। और सेक्टर 10 का एक जो अस्पताल बना था उसको आपने एक्सपेंड करने की कोशिश की इस अस्पताल को बंद करके यहाँ से वहां जाने के लिए। आज अस्पताल में कुछ सर्विसेज सेक्टर 31 में है, कुछ इधर है, कुछ उधर है। तो आप देख सकते हैं कि गुड़गांव जैसे शहर में भी हालत इतनी खस्ता है, आंकड़ों का खेल जो है वो खेला जा रहा है। पहले आप देख रहे थे गुड़गांव में 2 केस 4 केस 8 केस 5 केस, तभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता था अगर ये आंकड़े सच्चे हैं तो, लेकिन अब आप अचानक देख रहे हैं ये आंकड़े जो हैं वो 200-300 तक पहुंच रहे हैं। और अभी भी जितनी टेस्टिंग गुड़गांव में होनी चाहिए, जिस तरीके से दिल्ली के साथ सटा हुआ लोगों का आना जाना बना रहता है, उस हिसाब से टेस्टिंग को भी और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कुछ पेड होटल्स और कुछ अनपेड होटल्स, इस तरह की व्यवस्था भी अस्पतालों के रूप में की गई है, तो वो भी मेरी समझ से बाहर है कि वहां पर किस तरीके से मरीजों को आप रखेंगे और किस तरीके से उनको सेवाएं दे पाएंगे। बिल्कुल, और आप ही के ही समझ से बाहर नहीं, यकीन मानिए इस तरह की हालात को देखते हुए ऐसे सवाल सभी के जहन में इस वक्त कौंध रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।